बच्चों, आज मैं बच्चों फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका बायो की क्लास में। तो आपको पता है हम इकोलॉजी कर रहे हैं और इकोसिस्टम वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज टिम्बर लाइन। सो टिम्बर लाइन होता है बेटा कोई भी आर्टिफिशियल लाइन जिसके बियॉन्ड ट्रीज ग्रो नहीं कर सकती। ये यूजली 55 to 60 लैटिट्यूड के बीच में होती है। टिम्बर लाइन क्या है? आर्टिफिशियल लाइन बियॉन्ड विच ट्रीज कैन नॉट ग्रो, ट्री ग्रो नहीं कर पाती। फिर है जी, विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। बेटा मॉनसून फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को बोलते हैं जहां पर मैक्सिमम बारिश होती है। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल है, जहां पर मैक्सिमम मंथ्स में आपको बारिश होती मिलेगी। वॉट इज द रोल ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड बैक्टीरिया इन एन इको सिस्टम। प्लांट्स का, एनिमल्स का, बैक्टीरिया का इको सिस्टम में क्या रोल है? बेटा प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर। अब प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करके देते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, इसकी मदद से ये स्टार्च बनाते हैं, फूड बनाते हैं। यानी इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद आ गया बेटा हमारा कंज्यूमर्स क्या होते हैं। सो बच्चों, कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है? तो वो सारे के सारे एनिमल्स कंज्यूमर में आते हैं, प्लांट्स आते हैं प्रोड्यूसर्स में। और डीकम्पोजर्स होते हैं बेटा जो ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है? डिकम्पोजर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा साइकिल में, साइकिल को कंप्लीट करने में। अब आप खुद सोचिए, अगर ऑर्गेनिक मैटर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, माइक्रोब्स की मदद से, डिट्रिटस फूड चेन की मदद से, अगर ये ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में वापस नहीं जाएगा तो दोबारा ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनेगा? तो ये साइकिल को मेंटेन करने के लिए डीकम्पोजर्स बहुत जरूरी हैं। फिर है बेटा गुआनो क्या चीज़ है? फास्फोरस रिच फीसिस। सी बर्ड्स की जो फीसिस होती हैं उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होती है, इसको गुआनो बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? एग्रीगेशन इन्वॉल्व इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्रीगेशन इन्वॉल्व इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की मदद से जब ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ने लग जाए उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन इन्वेजन एंड एक्सेस। इन्वेजन होता है जी सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन अ बेयर एरिया। एक ऐसा खाली मैदान जहाँ पे कोई भी स्पीशीज नहीं थी, ना प्लांट की ना एनिमल की, वहाँ पे जब सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब एक खाली जगह के ऊपर एक स्पीशीज का आ जाना, यानी आप प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हो, और आप इसको वो भी बोल सकते हो, क्या कहते हैं अपना, पाइनियर। पाइनियर्स भी बेटा, पाइनियर का मतलब होता है पहले प्लांट किसी मैदान में जब लगते हैं उनको पाइनियर बोलते हैं, जहाँ पे पहले कोई भी चीज़ ग्रो ना करे। फिर एक्सेस क्या है? इट इन्वॉल्व सक्सेसफुल एडजस्टमेंट ऑफ अ सीरीज विद प्रिवेलिंग कंडीशंस इन दैट एरिया। तो जब एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में धीरे धीरे इवॉल्व हो जाती है उसकी चेंज एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसिस। फिर है बेटा डिफरेंशिएट माइक्रोफाइट्स और मैक्रोफाइट्स को डिफरेंशिएट करना। मैक्रोफाइट्स होते हैं बेटा लार्ज साइज रूटेड प्लांट्स ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जबकि माइक्रोफाइट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर्स। ये भी आपको मिल जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर में बेटा यूगलिना भी आ जाता है। फिर है जी, व्हाट इज असिमिलेटरी एफिशिएंसी? परसेंटेज रेशियो बिटवीन नेट प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी असिमिलेटेड एट अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। सो परसेंटेज होती है किसके बीच में? परसेंटेज रेशियो है किसके बीच में? नेट प्रोडक्टिविटी के बीच में एंड एनर्जी असिमिलेटेड एट पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। और आपको मैंने बताया है यहाँ पे 10+10% रूल के बारे में, मैंने आपको
10% रूल के बारे में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 10% रूल क्या कहता है। 10% रूल कहता है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है, जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो 90% एनर्जी वेस्ट हो, बेटा गो टू देयर, 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। आप बोलोगे सर ट्रॉफिक लेवल, फॉर एग्जांपल बेटा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से एपेक्स प्रीडेटर, है ना, सो ऑन। दो तरह की फूड चेन बताइए, तो पहली फूड चेन है बेटा ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी है डिट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर बेटा सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर हर्बीवोर्स होंगे, और डिट्रिटस फूड चेन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सारे के सारे फंगस मिलेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को उसकी डेथ के बाद। फिर जी नेम द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू लिविंग वर्ल्ड, तो वो तो है जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लिविंग वर्ल्ड में आती है। फिर जी व्हाट इज द रिजर्वायर फॉर गैसियस साइकिल, वो तो एटमॉस्फेयर और वाटर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, कितनी गैसेस हैं। गिव ऑल्टरनेटिव टर्म फॉर बायोस्फेयर, सो ऑल्टरनेटिव टर्म जो बायोस्फेयर के लिए है वो है जी इकोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर को इकोस्फेयर भी बोलते हैं। फिर है जी न्यूडेशन क्या चीज है, न्यूडेशन इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरियाज विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, जब कोई बेयर एरिया डेवलप हो विदाउट एनी फॉर्म, वहां पे किसी भी तरह की स्पीशीज ना ग्रो कर रही, उसको न्यूडेशन बोलते हैं। दो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स बताइए जो रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, आलनस और कसूरियाना, और इनके अंदर बेटा आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। वॉट इज द फंक्शनल सिमिलैरिटी अमंग इकोसिस्टम, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट ड्रॉ करते हैं सॉइल से, एयर और वाटर भी ड्रॉ करते हैं और सोलर एनर्जी को भी फिक्स करते हैं, तो ये इकोसिस्टम के मोस्ट फंक्शनल सिमिलैरिटीज हैं। कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वाटर इकोसिस्टम हो, चाहे एयर इकोसिस्टम है, ये तीन रिक्वायरमेंट तो बेटा वो पूरी करेंगे ही करेंगे। फिर बेटा उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, विच फैक्टर डिटरमाइन, ओके लिस्ट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको, स्पीशियल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स, बायोमास, ये सभी इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन से फैक्टर हैं जो डीकम्पोजर्स का रेट, डीकम्पोजिशन का रेट डिटरमाइन करते हैं, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सॉइल, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो आपको पता मॉइस्चर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर भी डीकम्पोजिशन ज़्यादा जल्दी होगी। फिर अजी व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन डिट्रिटस फूड चेन, डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलन लीव्स और डेड बॉडीज ऑफ एनिमल फॉर्म द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो डिट्रिटस फूड चेन का जो प्राइमरी सोर्स, उनको कहाँ से मिलते हैं, जितने भी एनिमल और प्लांट की डेड बॉडी होती है वो उनका प्राइमरी सोर्स होती है। फिर अजी अलग अलग तरह की जीरो सीड्स बताइए, तो क्रस्टेशियस, लाइचन, फुलोइस लाइचन, मॉस स्टेज, एनुअल ग्रास स्टेज, पेरेनियल ग्रास स्टेज, श्रब स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सभी इसी में आती हैं। राइट वन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो है जी कंटिन्यूअस चेंज यानी अडेप्टेशन। फिर है जी पिरामिड ऑफ बायोमास सी इज जनरली इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास सी जनरली इन्वर्टेड, क्योंकि जो फिश का जो सारे का सारा बायोमास होता है वो आपको फर्स्ट लेयर में मिलेगा, तभी ये उल्टा कोन मिलेगा आपको। अगर आप ह्यूमन बींग्स का, अगर आप ट्रॉपिकल लैंड में या आप लैंड एरिया में बायोमास वाला पिरामिड बनाओगे तो वो हमेशा अपराइट होएगा, बड़ा पार्ट नीचे, कोनिकल पार्ट ऊपर, और पानी के अंदर उल्टा, बड़ा पार्ट ऊपर, कोनिकल पार्ट नीचे, क्योंकि ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम आपको मिलेंगे वो पानी की अपर लेयर्स में मिलेंगे। तो ये आज का लेक्चर है, होप आपको समझ आ गया होगा बेटा, अच्छे से पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, स्टे सेफ एंड स्टडी वेरी हार्ड।